One hundred nineteen. Tank. Page one hundred nineteen. Tectonic. Page one hundred nineteen. Temperate. Page one hundred nineteen. Temperature. Page one hundred nineteen. Temporary settlement. Page one hundred nineteen. Terai. Page one hundred nineteen. Tertiary activities. Page

thermocline page 121 thermometer page 121 thermosphere page 121 thunderstorm page 121 tidal energy page 121 tides page 121 time zone page 121 topography page 122 topographic maps page 122. Torrid Zone. Page 122. Trade. Page 122. Trade Winds. Page 122. Transpiration. Page 122. Transcontinental. Page 122. Transhumans. Page 123. Transport. Transportation. Page 123. Trellis Drainage. Page one twenty three tributary. Page one twenty three trophic level. Page one twenty three tropical cyclones. Page one twenty three tropical deciduous forests. Page one twenty four tropical easterly jet stream. Page one twenty four tropical rainforest. Page one twenty four tropic of cancer. Page. 124. Tropic of Capricorn. Page 124. Tropopause. Page 124. Tropophytes. Page 124. Troposphere. Page 124. Trough. Page 125. Truck farming. Page 125. Tsunamis. Page 125. Tubeville. Page 125. Tundra. Page 125. Typhoon. Page 126. Now let's move to letter T of the Dictionary of Geography, starting at page 119. T. Page 119. Tabulation. the process of putting raw data into a systematically arranged tabular form फॉर्म सारणियन असंसाधित आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्थित तथा सारणीबद्ध करने की प्रक्रिया जदूल साजी खाम आदाद शुमाल व मालूमत को जदूद की शक्ल में मुनज्म तौर पर मुरतब करने का अमल टाइगा इट इज अ लोकल टर्म फॉर द कोनीफोरस फॉरेस्ट्स। which अक्रॉस द the पार्ट ऑफ of Russia. These forests withstand एक्सट्रीमली लो temperature एंड lengthy periods पीरियड्स ऑफ स्नोफॉल एग्जाम्पल fir, फर स्प्रूस Taiga टैगा यह शंकुवृक्षी वनों के लिए स्थानीय शब्द है जो रूस के उत्तरी भाग में विस्तृत हैं यह वन अत्यंत निम्न तापमान एवं हिमपात के लंबे अवधिकाल सहन कर सकते हैं उदाहरण के लिए जूनिपर फर स्प्रूस इत्यादि टाइगा ये रूस के शुमाली हिस्से के बाहर तक फैले हुए मखरूती या सनूबरी जंगलात के लिए एक मकामी असला है इस तरह के जंगलात बहुत कम दर्ज हरारत और बर्फबारी के लंबे अरसे का मुकाबला करते हैं मसलन जूनिपर फर स्प्रूस वगैरह टैंक रिलेटिवली स्मॉल स्टोरेज डिवाइस फॉर कलेक्टिंग रिन्यूअरल वॉटर तालाब वर्षा जल एकत्रित करने के लिए अपेक्षाकृत लघु संचयन साधन तालाब बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए निष्पतन छोटे जखायर टेक्टोनिक, रिलेटेड टू मूवमेंट्स विद इन द अर्थ्स इंटीरियर कॉजिंग अपलिफ्ट डिप्रेशन फोल्ड्स फॉल्ट एंड वॉपिंग च ब्रिंग वाइड स्प्रेड चेंजेज ऑन दी अर्थ सर्फिस विवर्तनिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली गतिविधियों से संबंधित जिसके कारण उत्थान अवनमन वलन भ्रंशन एवं आवलन होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर व्यापक परिवर्तन लाते हैं साख्तमानी या टेक्टॉनिक इसका ताल्लुक जमीन की अंदरूनी हरकत से है इनकी वजह से नशीबो फराज मोड़ शिगाफ और खम पैदा होते हैं और सतह जमीन पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होती हैं टेम्परेट इट रिफर्स टू एरियाज इन मिड लैटिट्यूड्स दो हैव लॉन्ग विंटर एंड शॉर्ट समर इट इज कैरेक्टराइज बाय मॉडरेट क्लाइमेट द टर्म टेम्परेट जोन वॉज यूज बाय अर्ली जियोग्राफर्स टू डिस्क्राइब अ रीजन लाइंग बिटवीन टॉरिड एंड फ्रिजड जोन्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर हाउएवर इट हैज नाउ बीन रिक्नाइज दैट कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ द टेम्परेट जोन एज पर अर्लियर डेफिनेशन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर शीतोष्ण कटिबंध इसका संबंध मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों से है जहां दीर्घ शीतकाल एवं लघु ग्रीष्मकाल होते हैं इसकी विशेषता मध्यम सम जलवायु है शीतोष्ण कटिबंध शब्द का प्रयोग प्रारंभिक भूगोल ने तापमान के आधार पर उष्ण एवं शीत कटिबंध के मध्य क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया था अब यह माना जाता है कि प्रारंभिक परिभाषा के अनुसार शीतोष्ण कटिबंध के महाद्वीपीय आंतरिक भाग अति विषम तापमान का अनुभव करते हैं मुंतक मुतदला वस्ती अर्जुल बलद में वाकई वो खिते जहाँ तवील मौसम सरमा और मुख्तसर मौसम गर्मा होता है मतदल आबो हवा इसकी खसूसियत है मुंत मतदला की अतलाह का इस्तेमाल इब्तदाय जग्राफिया दानों ने मुंत हारा और मनत मनजमिदा के दरमियानी इलाक़े के दर्जा हरारत की बुनियाद पर किया था बहरहाल अब इसके शिनाख्त पहले से मरूफ मुत मतदला बरअज़मी अंदरून की हैसियत से की जाती है जहां दर्जा हरारत इंतहाई होता है टेम्परेचर इट इज अ मेज़र ऑफ द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट ऑफ एनी सब्सटेंस, एग्जाम्पल एयर वॉटर ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा इट इज यूजली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस डिग्री सी और फेरनहाइट डिग्री एफ ताप यह किसी पदार्थ की ऊष्मा की तीव्रता अथवा डिग्री का माप है उदाहरण के लिए वायु जल मानव शरीर इत्यादि यह सामान्यतया डिग्री सेल्सियस से डिग्री अथवा अथवाइट फा डिग्री में मापा जाता है दर्ज हरारत ये किसी भी मादे की गर्मी की शिद्दत या डिग्री की पैमाइश है मसलन हवा पानी इंसानी जिस्म वगैरा इसे आमतौर पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फेरनहाइट में नापा जाता है टेम्प्री सेटलमेंट सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन अस्थाई बस्ती बस्तियां जो लघु अवधि के लिए बस्ती अधिकृत हैं आरजी बस्ती कलील मुद्दत के लिए बसी बस्तियां तेराई a लोकल टर्म used इन इंडिया टू डिस्क्राइब अ वेट swampy एंड marshy रीजन लाइंग टू द साउथ ऑफ द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज तराई भारत में प्रयोग किया जाने वाला स्थानीय शब्द जो हिमालय के गिरिपाद के दक्षिण में स्थित आर्द्र अनूपी एवं कच्छ दलदली प्रदेश को दर्शाता है तराई हिमालयाई पहाड़ियों के कदमचे के जिनूब में वाकई मरतूब दलदली और आबज़दा खित्तों को बनाने के लिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाली एक मकामी असलाह टर्शरी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी इंक्लूडेड हियर आर एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ट्रेड बैंकिंग इंश्योरेंस एजुकेशन एडवर्टाइजिंग एंड अदर सर्विसेज पेज 120 तृतीय क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं जो अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों को आधार सहयोग प्रदान करती हैं इसमें परिवहन व्यापार बैंकिंग बीमा शिक्षा विज्ञापन एवं अन्य सेवाओं से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित हैं सालसी सरगर्मियां वो माशी सरगर्मियां जो सभी जुमरों में करती है इसमें नकलो हमल, तजारत बैंक बीमा तालीम इश्तहार और दीगर खदम से मुताल सरगर्मियां शामिल हैं टेरेन इट इज एन ऑनसोम्बल ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया एग्जाम्पल लैंडफॉर्म्स ड्रेनेज सॉयल वेजिटेशन सेट्रा। भूभाग यह किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं का समुच्चय है उदाहरण के लिए स्थल रूप अपवाह मृदा वनस्पति इत्यादि जमीनी खिता ये किसी इलाके की मजमू तबीयी खसूसियत है मसलन जमीनी शक्ल पन्निकास मिट्टी नबतात वगैरह टेरिजनस सेडिमेंट्स इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स दैट इरोडेड फ्रॉम लैंड एंड डिपॉजिटेड ऑन ओशन फ्लोर स्थल जात अवसाद अजैव अवसाद जो स्थल से अपर्दित हो गए हैं एवं महासागर सतह पर निक्षेपित हो गए हैं जमीनी रसूबात, गैर नामियाती रसूबात, जिनका कटाव जमीन से हुआ है और समंदरी फर्श पर जमा हो गए हैं टेरेस फार्मिंग ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसिस मेड ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स और माउंटेंस कल्टिवेटिंग क्रॉप्स दीज टेरिस रिड्यूस सर्फेस रन ऑफ एंड चेक सॉयल इोजन वेदिका खेती चौड़े समतल चरण अथवा वेदिकाएं सीढ़ी नुमा जो पहाड़ियों अथवा पर्वतों की ढालों पर फसलों की कृषि के लिए बनाई जाती हैं यह वेदिकाएं पृष्ठवाह को कम करती हैं एवं मृदा अपर्दन को रोकती हैं सीढ़ीदार काश्तकारी पहाड़ या पहाड़ी ढलानों पर फसल उगाने के लिए बनाई गई चौड़ी हमवार सीढ़ियां ये सतही बहाव को कम करती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है ब्रॉड शैलो सी सिंक्लाइन दैट एग्जिस्टेड इन जियोलॉजिकल पास्ट इन बिटवीन गोंडवाना लैंड इन साउथ एंड लोरेजिया इन नॉर्थ इट वॉज फिल्ड विद सेडिमेंट्स विच वर लेटर कंप्रेस्ड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम सच एज दिमालय समुद्र चौड़ा छिछला समुद्र भू अभिनती जो भूवैज्ञानिक अतीत में उत्तर में लॉरेशिया एवं दक्षिण में गोंडवाना महाखंड के बीच स्थित था यह अवसाद से भर गया जो बाद में विवर्तनिक हलचलों के कारण संपीडित हो गया एवं उसका उत्थान हो गया जिससे पर्वत समूह का निर्माण हुआ जैसे कि आल्प्स एवं हिमालय तथा समंदर चौड़ा छिछला समंदर जो जुनूब में गोंडवाना लैंड और शुमाल में लारिशिया के दरमियान कदीम अर्जियाती दौर में वाक़ था ये रसूबात से भर गया था जो बाद में साख्तमानी हरकत के दबाव से ऊपर उठने से पहाड़ी सिलसिला बना मसलन आल्प्स और हिमालय टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज दैट यूज नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर एज रॉ मटीरियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्लोथ एंड गार्मेंट्स एग्जाम्पल वुलन कॉटन सिल्क रेयन पॉलिएस्टर एटसेट्रा वस्त्र उद्योग उद्योग जो कपड़ा एवं परिधान बनाने के लिए प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं जैसे ऊनी सूती रेशम रेउन पॉलिएस्टर इत्यादि सूती कपड़ा सनत वो सनते जो कपड़ा और लिबास तैयार करने के लिए खाम माल की हैसियत से कुदरती या मसनू रेशों का इस्तेमाल करती है मसलन ऊन सूत रेशम रेयॉन और पॉलिएस्टर वगैरह थीमेटिक मैप्स मैप्स प्रिपेयर टू डिपेक्ट अस्पेसिफिक थीम कॉन्सेप्ट ओ इश्यू एग्जाम्पल रिलीफ रोड्स पॉप्युलेशन नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा थीमेटिक मानचित्र मानचित्र जो विशिष्ट विषय वस्तु संकल्पना अथवा मुद्दों को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं उदाहरण के लिए उच्चावच सड़कें जनसंख्या प्राकृतिक विपदा इत्यादि पेज 121 हंड्रेड नक्शे किसी खास मौजू या मसले को जाहिर करने के लिए बनाया गया नक्शा मसलन खदोखाल सड़कें आबादी कुदरती आफात वगैरह थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम तापीय विद्युत विद्युत जो जीवाश्मी ईंधन को जलाकर उत्पादित की जाती है जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम हरारती बिजली कोयला और पेट्रोलियम जैसे रिकाजी ईंधन को जलाकर बिजली तैयार करना थर्मोक्लाइन एन इंटरमीडिएट लेयर ऑफ वॉटर इन अ डीप लेक और एन ओशन लाइंग बिटवीन द डिस्टर्ब्ड अपर लेयर ऑफ कंपैरेटिवली वार्म वाटर एंड द लेअर ऑफ रेलेटिवली स्टेग्नेंट कोल्ड वॉटर बिलो इट्स डेप्थ वेरीज बिटवीन वन एंड थ्री किलोमीटर ताप प्रवणता गहरी झील अथवा महासागर में जल की परत जो विक्षुब्ध अशांत कोष्ण जल की ऊपरी परत एवं अपेक्षाकृत स्थिर शीत जल की परत के बीच में होती है इसकी गहराई एक किलोमीटर से तीन किलोमीटर के बीच में होती है हरारती तखफीफ गहरी झील या बहरे आजम में पानी की वो दरमियानी सतह जो नस्पतान गर्म पानी के हलचल वाली ऊपरी सतह और नस्पतान ठंडे पानी की साकित सतह के नीचे होती है इसकी गहराई एक से तीन किलोमीटर के दरमियान होती है थर्मोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द टेम्परेचर दैट इज इंटेंसिटी ऑफ हीट तापमापी एक यंत्र जो तापमान अर्थात ऊष्मा की तीव्रता को मापता है हरारत पैमा दर्ज हरारत यानी गर्मी की शिद्दत को नापने का आला थर्मोस्फियर द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर विच एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर इन दिस लेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड बाह्य वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत जो 80 से 400 किलोमीटर के बीच विस्तृत है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है कुर्रे हरारत जमीनी कुर्रे हवा की बाहरी परत जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है बुलंदी में इजाफे के साथ इस परत का दर्ज हरारत तेज़ी से बढ़ता जाता है

गहन तापन एवं कपासी वर्षी मेघ के निर्माण के कारण मुख्यतः निम्न अक्षांश में घटित होते हैं रादी या कड़कदार तूफान भारी बारिश जोरदार गरज और बिजली की चमक के साथ आने वाला तूफान जो सतह जमीन के शदीद गर्म होने और अंबारी बारानी बादलों के बनने की वजह से अक्सर निचले अर्जुल बलदों में होता है टाइडल एनर्जी टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विच इजनरेटेड फ्रॉम द मोशन ऑफ द टाइडल वेव्स ज्वारीय ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरण योग्य ऊर्जा जो ज्वारीय तरंगों की गतियों से जनित होती है मद्दोजरी तवनाई एक किस्म की काबिल तजदीद तवनाई जो मद्दोजरी लहरों की हरकत से पैदा की जाती है टाइड्स रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन ज्वार चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्री जल का दिन में दो बार लयबद्ध उतार चढ़ाव मद्दोजर चांद और सूरज की कोवते कशिश की वजह से समंदरी पानी का दिन में दो बार तवातुर के साथ ऊपर उठना और नीचे गिरना टाइम जोन अ टाइम डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड फॉर कन्वीनियंस टाइम इज कैलक्युलेटेड फ्रॉम ग्रीनिच मीन टाइम जी एम टी विद वन आवर डिफरेंस फॉर एवरी फिफ्टीन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देर आर ट्वेंटी फोर टाइम जोन्स इन ऑल प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनिच आर अहेड ऑफ जी एम टी एंड प्लेसेस टू द वेस्ट ऑफ इट आर बिहाइंड टाइम जोन या काल क्षेत्र सुविधा हेतु विश्व के कालांतरण समय का विभाजन का ग्रीनिच माध्य समय से परिकलन किया जाता है जहां से प्रत्येक पंद्रह डिग्री अक्षांश पर एक घंटे का अंतर होता है विश्व में कुल चौबीस टाइम जोन हैं ग्रीनिच से पूर्व के स्थान जीएमटी से आगे होते हैं एवं पश्चिम के स्थान इससे पीछे होते हैं वक्ती मंतका दुनिया में सहूलत के लिए वक्त की तकसीम वक्त की पैमाइश हर पंद्रह डिग्री तूलुल बलत पर एक घंटे के फ़र्क के साथ ग्रीनविच औसत वक्त यानी जीएमटी के मुताबिक की जाती है दुनिया में वक्त के चौबीस मंतके हैं ग्रीनविच के मशरक़ में वाक़ मकाम ग्रीनविच औसत वक्त से एक घंटा आगे और इसके मगरब में वाक मकाम एक घंटा पीछे होते हैं पेज 122, टोपोग्राफी। इट रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सर्फिस इट इंक्लूड्स सर्फिस रिलीफ टेरेन एंड ऑल द फीचर्स क्रिएटेड बाय ह्यूम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टोपोस मीनिंग प्लेस स्थलाकृति पृथ्वी की सतह का विन्यास इसके अंतर्गत धरातलीय उच्चावच भूभाग एवं मानव द्वारा निर्मित सभी लक्षण आते हैं यह ग्रीक शब्द टोपोस से बना है जिसका अर्थ है स्थान वजा सनाशी इससे मुराद सतह जमीन की मजमू हैियत है इसमें सतह ज़मीन के खदोखाल कत्तई जमीन और इंसानों के जरिए तखलीक तखलीकुर्दा सभी शक्लें शामिल है ये यूनानी लफ्ज टोपोस से माखोज है जिसका मतलब है जगह टोपोग्राफिक मैप्स मैप्स प्रिपेयर टू डिपेक्ट ऑस शो ऑल नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस विद इन द लिमिटेशंस इम्पोज बाय द स्केल स्थलाकृतिक मानचित्र मानचित्र जो भूपृष्ठ के सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित लक्षणों को मापक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर चित्रित अथवा प्रदर्शित करते हैं वजई नक्शे पैमाने के मुक्रा हदूद में रहते हुए सते जमीन की तमाम कुदरती और मसनू शक्लों को बताने या दिखाने के लिए तैयार किए गए नक्शे टोन द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री साउथ विच इज जनरली नोन एज द ट्रॉपिक्स इट इज वन ऑफ द थ्री टेंपरेचर जोन्स रेकग्नाइज बाय द अर्ली जियोग्राफर्स सी ऑल्सो एंटार्क्टिक सर्कल उष्णकटिबंध कर्क रेखा साढ़े तेईस डिग्री उत्तर एवं मकर रेखा साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध अयन मंडल कहलाता है यह तीन तापमंडलों में से एक है जो प्रारंभिक भूगोल वेताओं द्वारा स्वीकृत है देखें वृत्त हारा खते सरतान तेईस आशार्या पाँच डिग्री शुमाल और ख़ते जद्दी तेईस आशार पाँच डिग्री जनूब के दरमियान का इलाका जिसे आमतौर पर ट्रॉपी के मनतका कहा जाता है ये कदीम जगराफिया दानों के जरिए तस्लीम करदा तीन हरारती मनतकों में से एक है मजीद देखेंटार्कटिक दायरा ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कमोडिटीज एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री और अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड व्यापार एक ही देश में अथवा विश्व के देशों के मध्य माल वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय तथा विक्रय तजारत मुल्क के अंदर या दुनिया के ममालिक के दरमियान अशिया इजनास और खिदमात की खरीदो फरोख्त Trade winds. These are predominantly easterly winds, which originate and flow from the subtropical high pressure belts towards the equatorial low pressure belt. The trade winds are fairly consistent in direction on the eastern sides of the oceans than on the western sides. It derives its name from a Latin word, trado, meaning constant direction. Vyaparik Pavan. यह प्रधानतया वह पूर्वी पवने हैं जो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में उत्पन्न होती हैं और विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध की ओर बहती हैं व्यापारिक पवन की दिशा समुद्रों के पश्चिमी किनारों की अपेक्षा पूर्वी किनारों में अधिक नियमित होती है यह शब्द लैटिन शब्द ट्रेडो से लिया गया है जिसका अर्थ है एक समान दिशा तिजारती हवाएं ये नुमाया तौर पर मशरक हवाएं हैं जो नीम हारी ऊंचे दबाव वाली पत्तियों से शुरू होती हैं और ख़त इस्तीवाई कम दबाव वाली पत्तियों की तरफ बहती हैं बहरे आजमों के मगरबी किनारों की बनस्बत मशरक़ी किनारों पर तजारती हवाओं की सिमत में काफी यकसानियत होती है ये लातीनी लफ्ज़ ट्रेडो से माखूज है जिसके मानी यकसा सिमत है ट्रांसप्रेशन लॉस ऑफ वाटर through the tiny pores under the leaves of plants during the डे टाइम वाष्पोत्सर्जन दिन के समय पौधों के पत्तों के नीचे पाए जाने वाले लघु छिद्रों से पानी का ह्रास पौधों की पत्तियों के छोटे छोटे सुराखों से दिन के वक्त पानी का नुकसान ट्रांस कॉन्टिनेंटल अ फीचर ऑफ फिनोमिनन विच रन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एग्जाम्पल पाइपलाइन अ रेलवे लाइन एंड माइग्रेशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स पार महाद्वीपीय एक लक्षण अथवा परिघटना जो महाद्वीपों के आर पार होती है उदाहरण के लिए एक पाइपलाइन रेल मार्ग एवं महाद्वीपों में होने वाला प्रवास बर्रे आजम पार बर्रे आजमों के पार कोई हैयत या मजहर मसलन पाइपलाइन रेलवे लाइन बरे आजमों के पार हिजरत। पेज 123। हंड्रेड ट्रांस सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद द लाइफ स्टॉक इन सर्च ऑफ पैस्चर विच नॉर्मली टेक्स प्लेस बिटवीन द रीजन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स और माउंटेन टू वैली एंड बैक ऋतु प्रवास। अपने पशुधन के साथ चरागाह की खोज में लोगों का मौसमी स्थानांतरण जो सामान्यतया विभिन्न जलवायु के प्रदेशों के बीच अथवा पहाड़ से घाटी एवं घाटी से पहाड़ की ओर होता है मौसमी मुहाजरत चरागाह की तलाश में अपने मवेशियों के साथ लोगों की मौसमी हिजरत जो आमतौर पर मुख्तलिफ आबो हवाई के दरमियान या पहाड़ से वादी की तरफ होती है और फिर वापस आते हैं ट्रांसपोर्ट

एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साधनों एवं प्रक्रिया से है दो भू आकृति विज्ञान में इसका अभिप्राय प्राकृतिक कारकों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के क्षेत्रों के बीच पदार्थों की गति से है नकलोहमल एक इंसानी जोग्राफिया में इसका मतलब ऐसे वसाइल और आमाल हैं जिनके जरिए लोगों या आशिया को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है दो इल्म अर्जियात में इसका मतलब कुदरती एजेंट के जरिए नुकते कटाओ और जमाओ के दरमियान मादों की हरकत है ट्रेलिस ड्रेनेज अ ड्रेनेज पैटर्न वे द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन दम एट राइट एंगल्स इट डिवेलप्स इन अ रीजन वे रॉक्स आर हैविंग न्यूमरस ज्वाइंट्स एंड क्रैक्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म जाल अपवाह एक अपवाह तंत्र जहाँ नदी की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाह करती हैं एवं द्वितीयक सहायक नदियाँ उनमें समकोण पर मिलती हैं इनका एक ऐसे क्षेत्र में विकास होता है जहाँ शैलों में बहुत से आयताकार जोड़ एवं दरारें होती हैं जालीदार पन्निकासी पन्निकासी की वो शक्ल जहां दरिया की इब्तदाई माविन नदियां एक दूसरे के मुतवाजी बहती हैं और सानवी मोविन नदियाँ उनसे जाविया कायमा पर मिलती हैं ये शक्ल उन खत्ों पर मबनी है जहां चट्टानों में मुस्तीली शक्ल के मुताद जोड़ और शिगाफ होते हैं ट्रिब्यूटरी अस्ट्रीम फ्लोइंग इन टू अ लार्जस्ट स्ट्रीम एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग वॉटर टू इट सहायक नदी एक सरिता जो बड़ी सरिता में सम्मिलित होती है एवं उसमें जल का सहयोग देती है मौविन नदियां वो छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है और इसमें अपने पानी का इजाफा करती है ट्रॉफिक लेवल द लेवल एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनादर इन अ फूड चेन पोषण रीति वह स्तर जहां आहार श्रृंखला में ऊर्जा एक जीव से दूसरे में अंतरित होती है जाई सिलसिले की वो सतह जिसमें तवनाई किसी गजाई जंजीर में एक जिस्म नामिये से दूसरे जिस्म नामिये में मुंतकिल होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटिंग विंड्स, मोर दैन 64 किलोमीटर पर आवर एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिसफेयर दे ओरिजिनेट ओवर ओशंस in tropical latitudes and follow well-defined tracks. These cyclones are destructive in nature and bring torrential rain. They are known by different local names. Example, Hurricane, Typhoon, Willi-Willi. bandhiya CHAKRAVAT UTTARI GOLARDH ME VAMA VART EVAM DAKSHINI GOLARDH ME DAKSHINA ati prabal PARI SANCHARI PAVANE 64 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक यह उष्ण कटिबंधीय अक्षांश में समुद्रों के ऊपर उत्पन्न होते हैं एवं सुनिश्चित मार्ग पर चलते हैं यह चक्रवात विनाशात्मक प्रकृति के होते हैं एवं मूसलाधार वर्षा लाते हैं जैसे प्रभंजन हरिकेन टाइफून विलीविली इत्यादि पेज 124 हंड्रेड ट्रॉपी की साइक्लोन बहुत ज़ोरदार गर्दिशी हवाएं चौंसठ किलोमीटर फी घंटे की रफ़्तार से ज़्यादा जो शुमाली नस्फ़ कुर्रे में घड़ी मुखालफ और जनूबी निसफ कुर्रे में घड़ी मवाफ़ तरतीब से चलती हैं इनकी इब्तदा हारी अर्जुल अर्जुलबलद में बहरे आजमों के ऊपर होती है और एक मुतना रास्ते पर चलती है ये साइक्लोन तबाह को नौत के होते हैं और इनकी वजह से मूसलाधार बारिश होती है इनके मुख्तलिफ मकामी नाम हैं मसलन हरिकेन टाइफून विले विले वगैरा ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट प्रिफर टू मॉनसून फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन देखें मॉनसून वन हरी पतझड़ जंगलात देखिए मानसूनी जंगलात ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड विंड्स दैट ब्लोज अराउंड 14 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड ड्यूरिंग समर द प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मॉनसून सर्क्युलेशन उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक पूर्वी जेट प्रवाह उच्च तुंगता उच्च वेग पवन जो ग्रीष्म ऋतु में 14 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास बहती हैं मॉनसून परिसंचरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हारी मशरकी जेट स्ट्रीम मशरकी जेट स्ट्रीम ऊंचे अर्जुल बलत पर तेज रफ्तार हवाएं जो मौसम गर्मा के दौरान तकरीबन चौदह डिग्री शुमाली अर्जुल बलत पर चलती हैं मानसून की गर्दिश में इनका बहुत अहम किरदार होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऊष्ण कटिबंधीय वर्षावन देखें विशुवतीय वन हारी बारानी जंगलात देखिए बारानी जंगलात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एन इमेजिनरी सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट डिमार्केट्स द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूपृष्ठ पर एक अधिकल्पित काल्पनिक वृत्त जो विशुवत वृत्त से साढ़े तेईस डिग्री की कोणीय दूरी पर होता है यह सूर्य के आभासी संचलन की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है खतह सरतान सतह जमीन पर शुमाली निस्फ कुर्रे में फ़तेह इस्तेवा से साढ़े तेईस डिग्री की जावियाई दूरी पर एक फर्जी दायरा ये सूरज की जाहिरी हरकत की शुमाली हद का तयन करता है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन एन इमेजिनरी सर्कल ऑन द अर्थ सर्फिस एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्रीज फ्रॉम द इक्वेटर इन द सदन हेमोस्फेयर इट डिमार्केट्स द सदन लिमिट ऑफ द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूपृष्ठ पर एक अधिकल्पित वृत्त जो विषुवत् वृत्त से साढ़े तेईस डिग्री की कोणीय दूरी पर होता है यह सूर्य के आभासी संचलन की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है खते जद्दी सतह जमीन पर जुनूबी निसफ कुर्रे में खत इस्तेवा से साढ़े तेईस डिग्री की जावियाई दूरी पर एक फर्जी दायरा ये सूरज की जाहिरी हरकत की जनूबी हद का तयन करता है ट्रोपोपॉज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर दिस जोन इज आइसोथर्मल इट फॉर्म्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर क्षोभसीमा क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा यह कटिबंध समतापीय है यह क्षोभमंडल एवं समताप मंडल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र बनाती है कुर्राय मतगैयरा साकिना कुर्राय मुतगैयरा की ऊपरी हद ये मुंतक यकसा हरारती है यह कुर्रय मुतगैयरा और कुर्र कायमा के दरमियान एक उबूरी मुंतका है ट्रोपोफाइट्स प्लांट्स विच एडजस्ट देमसेल्व्स टू सीजनल वेरिएशन इन मॉइस्चर परिवृत्ति उद्भिद पौधे जो विभिन्न ऋतुओं की नमी के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं तवाफु पौधे वो पौधे जो नमी में मौसमी तब्दीली के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं Troposphere. It is the lowest layer of the atmosphere where all weather phenomena take place. Its extent varies from 9 km above the poles to 16 km above the equator. Temperature decreases steadily with altitude at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer. It derives its name from the Greek word tropos, meaning turn or change. See also Atmosphere. क्षोभमंडल यह वायुमंडल की निम्नतम परत है जहां सभी मौसम परिघटनाएं घटित होती हैं यह ध्रुवों पर 9 किलोमीटर एवं विषुवत वृत्त पर 16 किलोमीटर तक विस्तृत है यह ऊंचाई के साथ तापमान अनवरत 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से गिरता है यह शब्द ग्रीक शब्द ट्रोपोस से लिया गया है जिसका अर्थ है परिवर्तन देखें वायुमंडल कुर्रतगैरा ये कुर्रे हवा की सबसे नीचे की परत है जिसमें तमाम मौसमी मजाहिर वाक़ होते हैं इसका फैलाव कतुबैन पर 9 किलोमीटर से ख़त इस्तवा पर 16 किलोमीटर है यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ दर्ज हरारत बतद्रिज छः आशारिया पाँच डिग्री सेल्सियस किलोमीटर की शरह से घटता है ये यूनानी लफ्ज ट्रोपोस से माखूज है जिसके मानी मुड़ना या तब्दील होना है मजीद देखें कुर्रे हवा ट्रॉफ वन इन एटमोस्फियर साइंस इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर कैरेक्टराइज बाय अ मच ग्रेटर लेंथ देन वेथ ट्रॉफ कैन बी आई द फ्रंटल और नॉन फ्रंटल सो ऑल फ्रंट्स ऑक्यूपाइड ट्रॉफ बट नॉट ऑल ट्रॉफ्स हैव फ्रंट्स टू इन जियोमोर्फोलॉजी इट रिफर्स टू अ वैली ओवर डीपेंड बाई ग्लेशियल इरोजन द्रोणी एक वायुमंडलीय विज्ञान में इसका अभिप्राय निम्न दाब के तंत्र से है जिसकी विशेषता चौड़ाई की अपेक्षा अधिक लंबाई है द्रोणी वाताग्री अथवा अवाताग्री हो सकती है अतः सभी वाताग्र द्रोणियों में होते हैं किंतु सभी द्रोणियों में वाताग्र नहीं होते तो भू आकृतिक विज्ञान में इसका अभिप्राय उस घाटी से है जो हिम अपर्दन के कारण अधिक गहरी हो जाती है नशे बार एक हवाई उलूम में इसका मतलब कम दबाव का वो निजाम है जिसकी खसूसियत चौड़ाई के मुकाबले में बहुत ज्यादा लंबी है नशे बार महाजी या गैर महाजी हो सकते हैं इसलिए तमाम महाज नशे बार घेरते हैं लेकिन तमाम नशे बारों के महाज नहीं होते दो इम अर्जियात में इसका मतलब ऐसी वादी है जो ग्लेशियाई कटाव से बहुत ज्यादा गहरी हो गई हो ट्रक फार्मिंग ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स क्लोज टू अर्बन सेंटर्स टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल इन दी सेंटर्स इट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट बिटवीन द फार्म एंड द मार्केट ट्रक कृषि लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी केंद्रों के निकट शाक सब्जियों का उगाया जाना यह उस दूरी से प्रभावित होता है जितनी एक ट्रक रात में फार्म से बाजार तक दूरी तय करता है ट्रक काश्त शहरी मराकिस के करीब सब्जियां उगाना ताके उनके मराकिस के बाशिंदों की रोजमर्रा जरूरियात पूरी की जा सकें इसका फैसला उस दूरी से किया जाता है जो एक ट्रक रात भर में फार्म से बाजार तक तय करता है सुनामी अ सी वेव ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्पीड कॉज्ड बाय समरीन अर्थक्वेक और वोलिक इरप्शन इन द ओपन सी इट्स हाइट में बी अ मीटर और सो बर इट कैन अटेन कंसिडरेबल हाइट ओवर फिफ्टीन मीटर्स इन शैलो कोस्टल वॉटर एंड वे इट ब्रेक्स दीज वेवस में ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स एंड कॉज इन्स डिस्ट्रक्शन स्पेशली अलॉन्ग लो लाइंग कोस्ट इट इज अ जैपनीज टर्म सुनामी अत्यधिक ऊंचाई एवं वेग वाली समुद्र तरंग जो अंत समुद्री भूकंप अथवा ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होती है खुले समुद्र में इनकी ऊंचाई एक मीटर के आसपास होती है किंतु छिछले तटीय जल में और जहाँ ये टूटती है वहाँ बहुत ऊंचाई पंद्रह मीटर से ऊपर प्राप्त कर सकती है यह तरंगें हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती हैं एवं विशेषतया निम्नस्थ तटों में अत्यधिक विनाश करती हैं यह एक जापानी शब्द है सुनामी जेरे समंदर जलजला या फटने की वजह से काफी ऊंची और तेज़ रफ्तार समंदरी लहर खुले समंदर में इसकी ऊंचाई एक मीटर या उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन छिछले साहिली समंदर में जहाँ ये फटता है इसकी ऊंचाई पंद्रह मीटर से ज्यादा हो सकती है ये लहरें हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती हैं और बिलखसूस साहिल से लगे हुए निचले हिस्से में बड़ी तबाही का सबब बन सकती हैं ये एक जापानी इतलाह है ट्यूबवेल अ डीप बोरवेल लाइन विद ट्यूब ओ पाइप फॉर ड्रॉइंग अप वाटर फ्रॉम द एक्विफर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नलकूप एक गहरा वेदकूप जो विद्युत की सहायता से जल भर से पानी निकालने के लिए नली अथवा पाइप से आस्तरित है ट्यूबवेल ट्यूब well. या पाइप के सहारे बिजली की मदद से जमीन दोस्त पानी के बड़े जखीरे से पानी निकालने के लिए गहरा बर्मा या हवा कुआं टंड्रा एन एक्सटेंसिव ट्रीलेस प्लेन्स इन द नॉर्दर्न हेमोस्फेयर दैट लाइज बिटवीन द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ ट्री ग्रोथ दैट इज टाइगा एंड द पोलर रीजन विद परपैचुअल स्नो एंड आइस दिस रीजन इज कैरेक्टराइज बाय मॉसेज लाइकन्स एंड लो वुडी प्लांट्स Along the southern margins of this zone. Here, winters are severe with a temperature of minus 30 degrees Celsius at the northern limits. The mean temperature of the warmest month is below 10 degrees Celsius. The growing season is brief and cool. Page 126 Tundra. उत्तरी गोलार्ध में एक विस्तृत वृक्षरहित मैदान जो वृक्ष वृद्धि की उत्तरी सीमा अर्थात टैगा एवं चिरस्थायी हिम एवं बर्फ के ध्रुवीय क्षेत्र के बीच है इस क्षेत्र की विशेषता इस कटिबंध की दक्षिणी सीमा में मॉस, लाइकिन एवं छोटी काष्ठीय वनस्पति है यहां शीत ऋतु बहुत कठोर होती है एवं उत्तरी सीमांत में तापमान माइनस तीस डिग्री सेल्सियस होता है सबसे गर्म माह में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वर्धन काल लघु एवं शीतल होता है टंडरा शुमाली निस्फ कुर्रे में दरख्तों से खाली एक वसी मैदान जो दरख्तों के उगने की शुमाली हद यानी टाइगा और लगातार बर्फ वाले कुतबी खत्ते के दरमियान पड़ता है इस खत्ते की खसूसियत काई लाइकन और इसके जनूबी हाशिए के साथ कम ऊंचाई वाले चौबी पौधे हैं यहाँ पर सख्त सर्दी पड़ती है शुमाली हदूद पर दर्जा हरारत माइनस तीस डिग्री सेल्सियस होता है सबसे गर्म महीने का औसत दर्जा हरारत दस डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है काश्त का मौसम मुख्तसर और हल्का ठंडा होता है टाइफून अ लोकल टर्म यूज फॉर वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन द नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन टाइफून एक स्थानीय शब्द जिसका प्रयोग उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले प्रचंड उष्ण कटिबंधी चक्रवात के लिए किया जाता है तूफान, शुमाली बहरुल काहिल के खत्ते में बनने वाले शदीद हारी साइक्लोन के लिए मुस्तमिल एक मकामी असलाह लेटर टी ऑफ ट्रायलिंगुल डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफी फॉर स्कूल्स एनजिया रेड बाय Neeraj Yadav and Sumbul Shakil You were just listening to this presentation. Project Coordination Rajesh Nimesh Subject Coordination Professor Savita Sinha Project Advice Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination Lang Lingdo Framework Advice Ajit Horo Assistance in Production Amit Kumar Produced and Directed by Vandana Arimardan and this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.